जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आप शायद जानते भी होंगे कि जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है उसके जीवन में आने वाली परेशानियां स्वयं टल जाती है। जिसका गुरु ग्रह प्रबल होता है उसके बच्चों के जीवन में कोई समस्या नहीं आती, और इसके विपरीत जिसका गुरु ग्रह कमजोर होता है उसके बच्चों के भविष्य में सफलता नहीं लिखी होती, प्रगति नहीं होती, धन संपत्ति की कमी, अकारण कलह क्लेश, ये सारे कारण गुरु की। कहते हैं जिसके गुरु ग्रह कमजोर होता है वह विद्या नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि विद्या के देव भी गुरु हैं, और साथ ही वह कभी धनपति नहीं हो सकता। जितना पैसा आता है, जितना धन आता है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गुरु को प्रबल नहीं कर सकते हैं। मैं आज वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली, कोई पूजा नहीं करना, कोई पाठ नहीं करना, कुछ ऐसे नियम जो आप नियमित रूप से, दैनिक रूप से, जैसे आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, आपको स्नान भी करना ही होता है, आप पूजन भी करते ही होंगे, कुछ ऐसी दैनिक क्रियाएँ होती है जो हम प्रतिदिन अपने आप समय अनुसार हमें करना ही होता है। बच्चे स्कूल जाते ही हैं, पढ़ाई भी करते ही हैं, रात को हम सोते ही हैं, यानी एक समय होता है सब चीज़ का और हम करते ही हैं। वैसे ही मैं जो आज ये जो बताने वाली हूँ उपाय, वह आप दैनिक जीवन का एक नियम बना ले। यदि आप नियम बनाकर अपने जीवन पर लागू कर लेते, ऐसा नहीं कि आज किया और नहीं करना है आगे, ऐसा एक ही बार नहीं करना है और उपाय भी नहीं कहा जा सकता। इसको आप यदि अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। आपके परिवार में अशांति नहीं हो सकती, धन की कमी नहीं हो सकती, कोई कष्ट आता भी है तो बहुत जल्दी अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, आप जब सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, तो आप सबसे पहला कार्य तो ये करें कि आप उठें, और यदि आपके यहाँ गंगा जल है तो ठीक, नहीं है तो आप सादा जल भी ले सकते हैं। आपके घर में जो भी जल है आप वो जल ले लें, बस झूठा नहीं हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल दें और अपने मेन गेट पर, मुख्य द्वार के जो देहरी होती है वहाँ छिड़काव कर दें। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा होती है। कहते हैं ना कि क्यों जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो हम खाने में हल्दी डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय हम अशुद्ध हो जाते हैं, और क्यों सारे शुभ कार्य, सारी पूजनों में हम हल्दी उपयोग में लाते हैं। अब देखना, जो शादी विवाह का कार्य होता है उसमें सबसे पहले दुल्हन या दूल्हे को, वर वधु को हल्दी लगाई जाती है, नियम में है, क्योंकि वह पवित्र मानी जाती है, पावन मानी जाती है। और साथ ही जब पूजन में आप पूजन करने बैठते हैं उसमें भी हल्दी रखना आवश्यक होता है। इसलिए हल्दी हर तरफ से आपके लिए शुभकारी होती है। जब आप अपने मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर थोड़ी सी हल्दी छींटते हैं, या दिन भर में कभी भी गुरुवार के दिन आप हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, जब आप स्नान कर लिए हो, आपको जब समय मिले, आप सुबह की वंदना के समय, शाम को जब दीपक लगाते हैं पूजन अर्चन के समय, आप स्वास्तिक बनाएं दोनों दीवारों पर, जो मेन गेट के दोनों तरफ की दीवार होती है, उस समय आप यदि छोटा सा स्वास्तिक बना दें, आप मान कर चलिए कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ बढ़ जाएगा और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। भले ही आप इसे किसी को बताएं ना, या धीरे से आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि हाँ, हमारी आमदनी में वृद्धि हुई है। एक कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य आपको यह करना चाहिए कि आप जब भी स्नान के लिए गुरुवार के दिन जल, बाल्टी का जो जल होता है उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप विवाह योग्य वर हैं या वधू हैं, मतलब आपका विवाह होने वाला है, लड़की है या लड़का है जो भी, या आप गृहिणी हैं या आपके हस्बैंड नहा रहे हों, उसमें थोड़ा चुटकी भर, ये हमारे भाग्य के दरवाजे खोलता है, भाग्योदय करता है। चुटकी भर हल्दी सिर्फ गुरुवार के दिन आप करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, आपको एक हर कार्य करने का उत्साह मिलने लगता है। इसके साथ ही यदि आपके यहाँ केली का वृक्ष है या आपके आसपास कहीं
मंदिर में केले का पेड़ है, वृक्ष है, पौधा है, छोटा पौधा है, आप अवश्य उसमें चुटकी भर हल्दी डालें और उसके नीचे दीपक लगाएं शुद्ध घी का, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन करके देखिए। थोड़ी सी चने की दाल डाल सकते हैं तो थोड़ी सी चने की दाल डाल दीजिए। एक तरह से ये बहुत ही ने लक्ष्मी को यदि अपने घर आमंत्रित करना है, धन को आप बढ़ाना है आपको, तो ये कार्य करने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साथ ही आप एक कार्य और कर सकते हैं, बहुत ही सरल उपाय, हर प्रति गुरुवार आप भोजन में चने की दाल से रिलेटेड भोजन जरूर बनाएं। बेसन बना सकते हैं, चने की दाल का कोई भी ऐसा आइटम जो आप नियम में ले लें। आप खाना कोई भी बनाएं, भोजन में कुछ भी बनाएं, लेकिन थोड़ी सी चने की दाल का आप घर में ऐसा प्रयोग करें कि गुरुवार के दिन वो बने, आप देखना। ये आपको सिर्फ ये सारी बातें ऐसी हैं जो आप नियम में ले सकते हैं। आपको कोई पूजन पाठ नहीं करना, कोई अर्चना नहीं करना। मैंने ये नहीं कहा कि आप मंदिर में बैठ के जाप करो, मंत्र करो, लेकिन ये कार्य आप नियम में बना सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, कि कोई नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं, करके देखिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जिसे कहा जाता है वो हो गया है। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओम नमः शिवाय।